नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। राजस्थान सहित देश भर की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। कोटा संभाग के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पीपल दा विधायक रामनारायण मीणा ने आज सुबह एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। कांग्रेस की राजस्थान में करारी हार के बाद से लगातार कांग्रेस नेताओं के बेबाक बोल के बीच सबसे बड़ी गूंज आज के बयान की मानी जा रही है। कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा, कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के बाद अब कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामनारायण मीणा द्वारा कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को सलाह देते हुए कहा गया कि एकजुट रहो, संभल जाओ, आपस में मतभेद मत रखो, अन्यथा मोदी जुलाई में 356 का इस्तेमाल कर लेंगे। अब काफ़ी लोग आर्टिकल 356 को लेकर संशय हम बताते हैं, इसका अर्थ राष्ट्रपति शासन से है, जिसका अर्थ यही है कि सत्ता की कमान राज्य सरकार को बर्खास्त कर गवर्नर के पास आ जाती है। आर्टिकल 356 की भी पूरी हिस्ट्री है। नवतेज टीवी लेकर आए अपने तमाम व्यूअर के लिए वो जानकारी जो सिर्फ आपको मिलेगी नवतेज टीवी पर, क्योंकि जिस समय रामनारायण मीणा का बयान आया लोग आर्टिकल 356 को सर्च कर रहे थे। नवतेज टीवी अपने पाठकों के लिए, यूँ कहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, लेकर आए 356 की पूरी हिस्ट्री। आर्टिकल 356 के लागू होने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाती है और मंत्रिमंडल समूह भी कोई काम नहीं कर सकता। हालांकि इस आर्टिकल का हमारे देश में उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है। केंद्र में विराजमान सरकारें समय समय पर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस आर्टिकल का इस्तेमाल करती है। जिन शर्तों पर या यूँ कहें आर्टिकल 356 का प्राय कैसी स्थितियों में उपयोग होता है, हम आपको बताते हैं कि राज्य की विधानसभा या तो अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाती है, साथ में जिस तरह का गठबंधन होता है वो ढह जाता है, असेंबली में बहुमत नहीं हो पाता है, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चुनाव का न हो पाना, तो कुल मिलाकर इन चारों स्थितियों में वर्तमान में स्थिति जो बन रही है आपके सामने, कांग्रेस में आपस में मतभेद है। 1990s फेर के बाद में इस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है। आर्टिकल 356 के लिए पीपलदा के विधायक रामनारायण मीणा का जो बयान महत्वपूर्ण है। 90 के दशक तक अक्सर ऐसा देखा जाता था, केंद्र की सरकार राज्यपाल की मदद से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती थी। सन 1994 उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद इसका अनुचित इस्तेमाल कम हो चुका है। अब तक जहां जहां राष्ट्रपति शासन लगा उसके बारे में आपको बता दें कि उत्तराखंड अपने सृजन के 15 सालों में 7 मुख्यमंत्री देख चुका है। अविभाजित उत्तर प्रदेश अब तक 9 बार राष्ट्रपति शासन का दंश झेल चुका है। अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 123 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन की जो पूरी हिस्ट्री है, आंध्र प्रदेश में 2 बार, अरुणाचल प्रदेश में 4 बार, असम में 4 बार, बिहार में 8 बार, दिल्ली में 1 बार, गोवा में 5 बार, गुजरात में 5 बार, हरियाणा में 3 बार, हिमाचल प्रदेश में 2 बार, जम्मू कश्मीर में 6 बार, झारखंड में 3 बार, कर्नाटक में 6 बार, केरल में 4 बार, मध्य प्रदेश में 3 बार, महाराष्ट्र में 2 बार, मणिपुर में 10 बार, मेघालय में 2 बार, मिजोरम में 3 बार, नागालैंड में 4 दफ़ा, उड़ीसा में 6 दफ़ा, पांडुचेरी में 6 दफ़ा, पंजाब में 8 दफ़ा, राजस्थान में भी 356 आर्टिकल का 4 दफ़ा उपयोग हो चुका है, सिक्किम में 2 बार, तमिलनाडु में 4 बार, त्रिपुरा में 3 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, पश्चिम बंगाल में 4 बार आर्टिकल 356 का उपयोग हो चुका है, जिसके तहत वहाँ के गवर्नर राष्ट्रपति शासन के रूप में अपना कार्य करते हैं। साथ में जो रोचक तथ्य हैं वो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अधिकतम राष्ट्रपति शासन 6 साल 264 दिन रह चुका है, वहीं सबसे न्यूनतम कम कर्नाटक राज्य में 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रह चुका है। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन उन राज्यों में लगाया जाता है जहां केंद्र में विराजमान पार्टी सत्ता में नहीं होती है, लेकिन 2 ऐसे मौके भी आए हैं जब इंदिरा गांधी सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। पंजाब में सन 1983 में और आंध्र प्रदेश में 1973 में ऐसे मौके देखने को मिले। नवतेज टीवी के माध्यम से ये खबर आपको अच्छी लगी है आर्टिकल 356 को लेकर, हम उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को अच्छी लगी, तो शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।